सावन का महीना शुरू होते ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखनी शुरू हो गई है। सोलन के जटोली में प्राचीन शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर के दर्शन कर जलाभिषेक किया। जटोली शिव मंदिर की मान्यता है कि सावन के पूरे महीने तक भगवान भोले की सच्चे मन से आराधना करने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं करसोग के ममलेश्वर महादेव के दरबार में भी श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। सोमवार को ममलेश्वर महादेव मंदिर में पूरा दिन भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। इस मौके पर मंदिर में खीर भंडारे का भी आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक हीरालाल ने भी ममलेश्वर महादेव के चरणों में पूजा अर्चना की। देवाधिदेव ममलेश्वर महाराज के श्रावण मास में इस तिथि में यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और दूध की खीर बनाई जाती है और शिवलिंग पर जो है दूध चढ़ाया जाता है और साथ है भांग ददूरा की भी बलि यहाँ पर होती है और ममलेश्वर महाराज के यहाँ पर जो है हज़ारों के यहाँ पर श्रद्धालु जो है श्रावण मास पूरे मास यहाँ पर चलते रहेंगे और आज के दिन से ये श्रावण मास का जो है ये पूजा अर्चना का कार्य जो है वो शुरू हुआ है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद, करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।